एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वारंटीन चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं, सो हम बाहर नहीं जा सकते फोटोशूट करवाने। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में फोटोशूट कैसे कर सकते हैं आप, टेरेस पे फोटोशूट कैसे कर सकते हैं क्लाउड्स का यूज करके, क्लाउड्स को बैकग्राउंड बना के। उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं फोटोज खींचने के, आप सिंगल फोटोज खींच सकते हैं, एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं, प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए कैसे फोटोज खींची है क्लाउड्स को बैकड्रॉप बना के, और काफी अट्रैक्टिव फोटोज आती है क्लाउड्स के साथ, एंड हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए कैसे फोटो शूट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड काफी सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जिनको न्यू आइडियाज चाहिए होते हैं अपने इंस्टाग्राम फोटोज के लिए। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोज देखनी है और ये वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी एंड ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाती रहूं। मैं इस वीडियो में जो भी फोटोशूट आइडियाज आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको किसी भी पर्सन की नीड नहीं है, आप ये फोटोज खुद अपने आप खींच सकते हैं। किसी किसी फोटोज में आपको ट्राईपॉड की जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्टली आप अपनी फोटोज अपने आप खींच सकते हैं अपनी फोन के कैमरा से, सेल्फी से। सो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा, ये फोटोज बहुत ही इजीली आप खुद खींच सकते हैं अपने आप से। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके की फोटोज खींची हैं एंड कैसे खींची हैं। मैं अपने कैमरे में भी आपको सेटिंग दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से मोड पे इसे सेट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना है, आपको एक ऐसा फूल लेना है या प्लांट लेना है या पत्ती लेनी है, आपके घर के पास में जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ फ्लावर्स अवेलेबल ना हो या यू नो ऐसी कलरफुल चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप ये ग्रीन डालियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ आती हैं। सो मुझे अभी ये मिल गया है, मेरे घर के पास में इसका पेड़ था तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ मेरी फ़ोटोज़ में। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी है, आपको अपने कैमरे को नीचे की तरफ रखना है। आज क्लाउड्स नहीं है ज़्यादा, वैसे क्लाउड्स होंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बट आप एडिटिंग कर सकते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आपको आपके अपने कैमरे को नीचे की तरफ रखना है ये सेल्फी के लिए, एंड उसके बाद आपको इस पेड़ की डंडी को आपको सनलाइट के एकदम सामने रखना है ताकि आपके फेस पे शेडो आ सके। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे शेडो आ रही है। ऐसे रखने के बाद आप अपने फ़ोन के कैमरा में टाइमर सेट करो एंड देन क्लिक कर लीजिए काफ़ी सारी फ़ोटोज़। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी ईजी एंड क्रिएटिव वे। Now open your front camera in your phone and set your timer like 3 seconds, 10 seconds, it's up to you। And मैंने इफ़ेक्ट भी लगाया है, विविड इफ़ेक्ट जो आईफोन में अवेलेबल होता है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैं मोस्टली अपनी पिक्चर्स में ये इफ़ेक्ट लगाती हूँ। सो इसी मोड पे मैंने सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं और मैंने अपना फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा है, ना मैंने कोई ट्राईपॉड यूज़ किया है, ना मैंने कोई फ्लोर यूज़ किया है। मैंने सेल्फ़ी कैमरा से नॉर्मली फ़ोन को नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था, फ़ोन की पोजीशन नीचे करी है और स्काई को लिया है, स्काई को पूरा कवर किया है, और ऐसी ही सारी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की हैं। सो आप देख ही सकते हैं मैं कैसे क्लिक कर रही हूँ, मैंने सारा आपको डिस्क्राइब किया है, पूरा डिटेल में आपको दिखा रही हूँ पूरा ट्यूटोरियल कि मैंने कैसे क्लिक की है ये पिक्चर। एंड आपको सनलाइट के सामने ये पिक्चर क्लिक करनी है ताकि आपके फेस पे अच्छे से शेडो आ सके। टेक एज मैनी पिक्चर एज यू कैन, मैंने भी काफ़ी सारे पिक्चर्स लिए, तब जाके मैं 3-4 पिक्चर्स में सेटिस्फाइड हुई, और मैंने ज़्यादा इसमें एडिटिंग नहीं करी है, नॉर्मल पिक्चर ही बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बिकॉज सनलाइट में काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। एंड आप फाइनल लुक देख सकते हैं इन पिक्चर्स का, एंड इस पिक्चर पर मुझे 10,000 लाइक्स मिले हैं इंस्टाग्राम पे, 1 लाख रीच गई है इस पिक्चर की, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस पिक्चर पे। इफ़ यू इंस्पायर्ड बाय दिस लुक एंड आप ऐसी क्लिक अपने इंस्टाग्राम के लिए करेंगे, सो प्लीज़ मुझे टैग करना अपने पिक्चर्स में, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ शाउट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़
काफ़ी अच्छा पोज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है। आपको अपनी चुन्नी को आपको कुछ अच्छा सा पहले इंडियन वेयर पहनना है या कुछ भी आप पहन सकते हैं, आपके ऊपर है वो, पर आप इंडियन वेयर पहनेंगे तो और अच्छा लगेगा। आप लहंगा भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेगा लहंगा भी। और आप उसकी चुन्नी को आसमान में उड़ाएंगे अपने फ़ोन में, वही सेटिंग करनी है आपको, अपना टाइमर सेट करना है, और जब भी टाइमर एंड होने वाला हो आपको अपनी चुन्नी आसमान में उड़ानी है। और अच्छा सा आप पोज दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हवा में भी हाथ अगर आपका होगा तो भी बहुत अच्छी पिक्चर आएंगी। सो ये थोड़ा सा फ़नी है, मैं इतनी बार आ रही हूँ जा रही हूँ चुन्नी उठा रही हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये दिखने में बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बट इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पिक्चर। मैंने बहुत मुश्किल से ये पिक्चर क्लिक करी है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, मैं चुन्नी खुद उठा के आ रही थी बार बार में। और एक बार तो मेरी चुन्नी मेरे घर के नीचे ही उतर गई थी और मुझे भाग के वापस लेके आनी पड़ी थी, और बहुत डांट पड़ी मम्मी से भी कि मैं चुन्नी गंदी कर रही हूँ और तुम धोगी क्या ये चुन्नी, ऐसे ऐसे काफ़ी मुझे बहुत सारे डायलॉग सुनने मिले, आपको पता है मम्मियाँ कैसी होती है। सो ये पिक्चर बहुत ही डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए और मैंने अकेले क्लिक की, और इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इंस्टाग्राम पे। सो आई एम सेटिस्फाइड नाउ कि मेरी मेहनत रंग लाई और मेरी पिक्चर पे इतने अच्छे लाइक्स एंड व्यूज़ आए। एंड बस आपको यही करना है, अपने फ़ोन में कैमरा में टाइमर सेट करना है, चुन्नी आसमान में उड़ानी है। आप पोज़ दे सकते हैं तो आप अच्छी बात है, बट इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपका पोज़ निकल पाए। सो ट्राई करना कि आप पोज़ दे सको तो और अच्छी पिक्चर आएंगी, और आप जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार एक न्यू एंड डिफरेंट लुक आपका क्रिएट होगा, वो आप भी गेस नहीं कर पाओगे कि ये यार ये कितनी अच्छी पिक्चर आ गई। और इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं है कि आपको अपनी चुन्नी ऐसे लहरानी है वैसे लहरानी है, जैसे हवा का मोड हो वैसे आप अपनी चुन्नी लहरा सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है हवा पे, आप जैसे चुन्नी उड़ा रहे हो, बट अगर हवा ने आपका साथ नहीं दिया तो आपकी चुन्नी उड़ जाएगी या आपकी पिक्चर ख़राब हो जाएगी। ये सारा हवा के ऊपर है कि आप वो आपका कितना साथ देती है। मेरी भी बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया मेरी उड़ी गई थी चुन्नी। सो यस, आप ट्राई कर सकते हैं, साइड पोज दे सकते हैं, आप अपने सर पे हाथ रख सकते हैं जैसे मैंने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स में रखा है, या मैंने बैक होके फ्रंट पोज दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा लुक आया था जब मैंने ट्राई किया था। आप हाथों से पीछे की तरफ चुन्नी उड़ा सकते हैं तो आधी आपके हाथ पे होगी और हवा अच्छी रही तो आपकी चुन्नी बहुत अच्छी उड़ेगी। सो यस, इतनी सारी पिक्चर क्लिक करने के बाद ये है मेरी फाइनल पिक्चर्स विद लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग। आई होप यू लाइक इट गाइस। नेक्स्ट वन इज़ पीकाबू पिक्चर। मैंने इस पिक्चर को नाम दिया पीकाबू, एंड आप देख सकते हैं मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ इस पिक्चर के साथ। ये चुन्नी मुझे कितनी परेशान कर रही है, ये हवा मुझे कितनी परेशान कर रही है, आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ इस फ़ोटो के लिए। और जो मैंने चुन्नी है वो मैंने अपने जो जहाँ कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है उस पर टांगी है, एंड हाफ चुन्नी मैंने अपने सर पर डाली है ताकि ऐसा कुछ लुक क्रिएट हो जाए विद दुपट्टा। सो येस, आई एम वेरी स्ट्रगलिंग राइट नाउ, और बट इसका जो लुक आने वाला है काफ़ी अच्छा आने वाला है, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है बट पिक्चर्स बहुत अमेजिंग आने वाली हैं इसकी। और वही मैंने सेल्फी कैमरा से ये सारी पिक्चर्स ली हैं, आप चाहते हैं तो टाइमर भी सेट कर सकते हैं और आप नॉर्मल सेल्फी कैमरा से क्लिक भी कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजिंग। सो पोजिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ अपने हैंड्स के साथ अच्छे पोज देने हैं, आपको अपना फेस का यूज़ करना है, अच्छे एक्सप्रेशंस देने हैं इस पिक्चर में, बिकॉज मेन पार्ट इज़ योर फेस, आपका सिर्फ फेस दिख रहा है इस पिक्चर में। सो आपको अपने एक्सप्रेशन पर बहुत अच्छा वर्क करना है, आप आइज क्लोज कर सकते हैं, आप अच्छे से स्माइल कर सकते, आप अपने हैंड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, आप अपने हैंड्स के मूवमेंट्स कर सकते हैं, एंड दैट्स इट, बहुत ही इजी पिक्चर आपको मिल जाएगी। एंड मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ उस पिक्चर का।
नेक्स्ट पिक्चर इज ऑल्सो रियली फनी. अभी आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, बट इसका जो लुक आप देखेंगे बाद में, बहुत ही अच्छा लुक आएगा. एंड काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आई हैं इस लुक में. मैंने इतना बिलीव नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी पिक्चर खुद से क्लिक कर लूँगी, और इसमें भी मुझे काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा है. मेरी एक्सरसाइज हो गई, मैं आजकल क्वारंटीन में, शुरू में काफ़ी एक्सरसाइज फ्रीक हो रही थी मैं, बट आजकल मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ. बस ये फ़ोटोशूट के तरीके से मेरी कुछ सिटअप्स और ये सारी एक्सरसाइज हो रही हैं. आप देख सकते हैं मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और मेरा डॉगी भी मुझे देख रहा है कि ये क्या कर रही है ये लड़की. हाँ, क्या करें, सब लोग मुझे मेरे घर में सब ऐसे ही सोचते कि मैं क्या करती रहती हूँ, बट कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ. आप देख ही सकते हैं कि मैं स्टेयर्स पे खड़ी हूँ. आपके घर पे भी ऐसी स्टेयर्स होंगी आई गेस, नहीं होंगी तो आप टेबल पे खड़े हो सकते हैं. और अपने कैमरा को आपको फ्लोर पे रखना है, एकदम नीचे आप रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्लोर पे रखना है. मैंने स्टेयर्स पे ही रखा है ताकि थोड़ा अच्छा सा एकदम क्लाउड्स अच्छे से आ जाए, जिस तरीके से भी आपसे मैनेज हो जाए. आपको पूरा स्काई लेना है, क्लाउड्स लेने हैं, और आपको ऐसे जैसे मैं पोज दे रही हूँ वैसे ही आपको पोज देना है. और आप बैठ भी सकते हैं, आप खड़े होके दे सकते हैं, इट्स अप टू यू. सो इसमें भी आपको सेटिंग सेम ही रखनी है. मैंने 10 सेकंड का टाइमर लगाया है, और कैमरा को एकदम फ्लोर पे रखा हुआ है. मैं ऊपर खड़ी हूँ कैमरा के स्टेयर्स पे, एंड मैंने टाइमर सेट किया है. विविड पे इफेक्ट पे क्लिक सेट किया हुआ है फ़ोन को, एंड आईफोन XR से मैं क्लिक कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं इसमें. एंड यू कैन सी आई एम ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ पोजेस. एंड इसमें नीचे से आपकी पिक्चर्स आएंगी, तो आप शूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं अपने, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पोज आप क्रिएट कर सकते हैं. आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, या आप अपने बालों को फ्लिप कर सकते हैं. अब इसमें पोज कैसे देना है मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आपको अपने शूज़ पे फोकस करना है. जितना अट्रैक्टिव शूज़ आप पहनोगे उतना अच्छा है. मैंने इतना अट्रैक्टिव नहीं पहना है, बिकॉज आई वॉज जस्ट ट्राइंग दिस पिक्चर कि ये पिक्चर आएगी नहीं आएगी. सो इट वॉज जस्ट अ ट्रायल, बट बहुत अच्छी पिक्चर्स आ गई. सो या आप अच्छे शूज़ पहन सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा तो काफ़ी अच्छी लगेगी पिक्चर. एंड आप खड़े होके पोज दे सकते हैं, आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, आप इवन कैमरा की तरफ देख सकते हैं विद यूजिंग योर हैंड्स. आप हैंड्स को अब कैमरे की तरफ लेके जाइए, और अपने हैंड्स के मूवमेंट कीजिए, और अपने बालों को हवा में लहराने दीजिए. काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आएंगी उससे. एंड या आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं मैं कैसे पोजिंग कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको पोजिंग करनी है. नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक. नाउ दिस पिक्चर इज एडिट बाय माई फ्रेंड एडिट योर पिक्स, सो आई विल मैंशन इज इंस्टाग्राम पेज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज़ उनका पेज चेक कीजिए. अगर आपको भी ऐसी पिक्चर एडिट करवानी है तो आप उनको पिक्चर्स भेज सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं. नाउ दिस वन इज़ माई फेवरेट पिक्चर. ये सिमिलरली जो दुपट्टे वाली पिक्चर थी वैसे ही सेम पिक्चर है. इसमें भी आपको टाइमर सेट करना है, सेटिंग वही रहेगी सारी पिक्चर्स की. बस इसमें दुपट्टे की जगह हमने लिए फ्लावर्स. अब आप कोई भी फ्लावर्स ले सकते हैं आपके घर के पास में, जो भी अवेलेबल हो. इवन आप नकली फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप अपने घर के पॉट में लगा रखे हों आपने, वो भी आप इवन यूज़ कर सकते हैं. आपके घर में जो भी अवेलेबल आपको हो जाए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो काफ़ी डिफ़िकल्ट पिक्चर है ये, बिकॉज मैंने अभी रियल फ्लावर्स और लीव्स यूज़ कर रही हूँ इस पिक्चर में, और हवा बहुत तेज़ है. जब मैं इसे उड़ाती हूँ तो आधे इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, और काफ़ी मुश्किल से मेरी ये सारी पिक्चर्स अच्छे से आ पाई हैं. मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस पिक्चर से. इससे ज़्यादा अच्छी मैं ले सकती थी अगर मेरे पास अच्छे फ्लावर्स होते. थोड़े जो बड़े दिखने वाले फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आती है. काफ़ी छोटे फ्लावर्स थे, बट स्टिल पिक्चर्स आ गई काफ़ी अच्छी. और आपको इसे नीचे की तरफ रखना है कैमरा को. आप दीवार के सहारे भी अपने फ़ोन को टिका सकते हैं, नहीं तो आप एक कटोरा ले सकते हैं, उसके अंदर अपने फ़ोन को प्लेस कर सकते हैं, उससे भी आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी. और आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू वन मोर थिंग. अगर आप अपने टाइमर्स की हेल्प से पिक्चर्स ना आ पाएँ आपकी, तो आप इवन वीडियोज़ भी ले सकते हैं. वीडियो आप लेंगे तो उसमें आप कंटिन्यू आप अपने फ्लावर्स उड़ा सकते हैं, एंड देन
आफ्टर दैट जब आप वीडियो देखेंगे उसमें जो आपको परफेक्ट शॉट लगेगा उसमें से आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के अपने पिक्चर्स निकाल सकते हैं. सो इट्स ऑल्सो अ वेरी ईजी हैक, आई एम टेलिंग यू. मैंने भी इवन बहुत सारी पिक्चर्स में ये ट्रिक ट्राई करी है. इससे बहुत ईजीली आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, तो आप ऐसे भी पिक्चर अपनी क्लिक कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट. इस पिक्चर में बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है पोज देना. पोजिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज़ हम फ्लावर्स उड़ा रहे हैं और वो फ्लावर्स काफ़ी जल्दी नीचे आ जाते हैं, बहुत बार हवा की वजह से इधर उधर भी हो जाते हैं. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पोज विथ फ्लावर्स. सो आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, अपने हाथों को ऐसे फैला सकते हैं आसमान की तरफ, और इवन अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप नीचे देख के कैमरा की तरफ स्माइल कर लीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं इस पिक्चर पे, और बस दैट्स इट, आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी. और आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ इस पिक्चर के लिए, और मैंने काफ़ी सारे शॉट्स लिए थे तब जाके मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ. नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट्स. और ये पिक्चर्स भी एडिट करी हैं एडिट योर पिक्सी ने. सो उनका पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनका ज़रूर ज़रूर पेज चेक कीजिए एंड आप उनसे एडिटिंग करवा सकते हैं अपने पिक्चर्स की. सो या प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू.